just so I could understand. Just so I could understand. Good morning everyone, welcome back to another interesting day in my life. आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ अपना एंड्योरेंस ट्रेनिंग का रूटीन, जो भी मैं फॉलो करता हूँ, जो भी एक्सरसाइजेस मैं फॉलो करता हूँ, कैसे करता हूँ, कितने सेट्स कितने रेप्स में क्या करता हूँ, मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। ओके सर, जो सबसे फर्स्ट चीज़ होती है जब भी आप जिम में आते हो वो होती है वार्म अप। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसलिए होती है क्योंकि जैसे ही आप जिम आते हो, आप सो के उठते हो या दिन में अगर आप आते हो तो या शाम में आते हो, तो आपकी बॉडी एकदम कोल्ड रहती है या रेस्ट पोजिशन पर रहती है, तो बॉडी को वार्म अप करने के लिए, जो जॉइंट्स हैं उनको फ्री करने के लिए और वो टेम्परेचर थोड़ा बॉडी का मेंटेन करने के लिए वार्म अप्स बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ओके सर, वार्म अप कंप्लीट करने के बाद मैं दो चीज़ें हमेशा करता हूँ, एक तो स्किपिंग होती है, एक तो या फिर पुशअप्स या पुलअप्स। पुशअप्स पुलअप्स हम लोग अल्टरनेट डेज पर करते हैं, एक दिन पुशअप्स कर लिया, एक दिन पुलअप्स कर लिया, एक दिन पुशअप्स। तो आज पुशअप्स करने वाला हूँ मैं। पुशअप्स करेंगे, साइकिलिंग करेंगे, स्किपिंग करेंगे और साथ में साइकिलिंग भी कर लेंगे, जिससे हार्ट रेट थोड़ी पम्प हो जाएगी और बॉडी थोड़ी वार्म अप हो जाएगी। साइकिलिंग और स्किपिंग कंप्लीट करने के बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज अपन करने वाले हैं। ये दो बोन लगाऊंगा, एक यहाँ पे और एक पीछे साइड, और 20 टचेस यहाँ से वहाँ से ऐसे पूरे पैरेलल रन करते हुए 20 टचेस, उसका टाइम नोट करेंगे। 3, 2, 1 स्टार्ट। ओके, 20 टचेस हो चुके हैं कंप्लीट और मेरा टाइम था 41 सेकेंड्स और 50 मिली सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स एवरेज था पर टच। देखते हैं, मेरे हिसाब से तो मैंने एक्सपेक्ट किया था 30 सेकेंड के अंदर हो जाएगा, 30-35 ठीक है, लेकिन मेरा उसमें कंप्लीट कितना का देखते हैं। ओके सो नेक्स्ट टर्न है अंशुल की, करते हैं स्टार्ट। 3, 2, 1 गो। ये देखो, ये है अंशुल का टाइम, 45 सेकेंड्स। ओके सो नेक्स्ट टर्न है लिनेश की, अब मुझे लग रहा है लिनेश का स्कोर सबसे बेटर होगा। स्टार्ट करते हैं, 3 होगा, देख ठीक है देखते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। 19 हुए हैं भाई, 20वां यहाँ टच होना था, क्या काउंट कर रहा था भाई। ओके सो लिनेश की टाइमिंग थी 40 सेकेंड समथिंग। अब भाई वो 19 स्टेप पे रुक गया, उसकी काउंटिंग इतनी खराब है, 38 कुछ हो गया था लेकिन मैंने 40 पर रोका क्योंकि अगर लास्ट कंप्लीट करता तो 40 सेकेंड कुछ उसका होता। ओके वार्मअप्स वगैरह हो चुके हैं कंप्लीट, तीनों के स्कोर आपने देख ही लिए होंगे। थोड़ा सा म्यूजिक लाउड है, हो सकता है मेरी ऑडियो उतनी क्लियरली नहीं आ रही हो आपको, तो क्योंकि आज मेरा जिम में आर्म्स था तो पहले ट्राइसेप बाइसेप सब पूरा आर्म्स कंप्लीट मारूंगा मैं, फोरआर्म्स वगैरह यहाँ करते कंप्लीट, फिर मूव ऑन करते नेक्स्ट स्टेप पे जो कि इस वीडियो की मेन हाईलाइट होने वाली है। पहली चीज़ होगी शैडो बॉक्सिंग ट्रेनिंग मेरी, जो मैंने अभी स्टार्ट करी है रिसेंटली, और दूसरी होगी कोर ट्रेनिंग। तो ये कंप्लीट करता हूँ फिर आपको वो दिखाता हूँ। तो आज की आर्म्स ट्रेनिंग हम लोग की हो चुकी है कंप्लीट, 3 ट्राइसेप एक्सरसाइज ली, 3 बाइसेप एक्सरसाइज ली, 4 आर्म्स मारा, एक सेट बस 2 सेट शायद मुश्किल से, और अब करने वाले हैं अपन कोर ट्रेनिंग। कोर ट्रेनिंग में हम लोग वीकली में 2 दिन कर लेते हैं, एक दिन वेंसडे को जिस दिन हमारा बैक डे रहता है और एक दिन सैटरडे को जिस दिन आर्म्स वगैरह रहता है, तो उस दिन हम लोग ने अपर मार लिए थे, तो आज हम लोग करेंगे लोअर एब्स प्लस ऑब्लिक्स।
कि आज का वर्कआउट हो चुका है हम लोगों का कंप्लीट। अब मैंने बोला था शेडो बॉक्सिंग भी दिखाऊंगा लेकिन नहीं दिखा पाया क्योंकि थोड़ा सा हो गया हम लोग लेट और इन लोग का वर्कआउट भी थोड़ा सा लेट चला। इन लोग का एक दिन मिस हो गया था तो वो कवर कर रहे थे इन लोग अपना डे आज का और कोर्स एक्सरसाइजेस वगैरह करने में और बाकी सब करने में मेरे को भी थोड़ा सा टाइम लग गया तो थोड़ा सा लेट हो गया हम लोग। और शेडो बॉक्सिंग क्योंकि मैं पूरा एक अच्छे से वीडियो बना के दिखाना चाहता था कि मैं पूरा क्या फॉलो करता हूँ, क्या क्या मेरे ड्रिल्स रहते हैं और क्या क्या कॉम्बोज मैं फॉलो करता हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो आई थिंक या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो मैं वो बनाऊंगा और पूरा डेडिकेटेड शेडो बॉक्सिंग पे वीडियो बनाऊंगा। तो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।